हेलो एवरीवन, मैसेल अभिषेक चौबे नॉलेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में लेकर आया क्लास 10 स्टैंडर्ड के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 3। यहां बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 6 वीडियो मैंने आप लोग को बढ़ा के दिया था, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी था जो आपके लिए होमवर्क था। तो बच्चों, आज के वीडियो में रिमेनिंग सम्स क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सम्स देखेंगे। तो बच्चों, करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो बच्चा, आपको अज्यूम क्या करना है, 3 कंसेक्यूटिव के लिए आपको अज्यूम करना है ये a माइनस डी, a और a प्लस डी। जब आपसे रहेगा 3 कंसेक्यूटिव टर्म, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा 4 कंसेक्यूटिव टर्म तो आप अज्यूम करेंगे ऐसा a माइनस डी, a, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। बच्चों, अगर आपसे पूछेगा 5 कंसेक्यूटिव टर्म तो आप अज्यूम करेंगे ये a माइनस 2d, a माइनस डी, a, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। बच्चों, ये किसके लिए है 5 कंसेक्यूटिव टर्म, ये किसके लिए है 4 कंसेक्यूटिव टर्म, और यहाँ पे मैंने अज्यूम ऑलरेडी कर लिया है 3 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए आपको क्या अज्यूम करना है। बच्चों, ये इसलिए ऐसा अज्यूम करना बिकॉज a माइनस 2d और a प्लस 2d जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ भी करेंगे, एड करेंगे, तो आपको इजीली आपका यहाँ पे कट हो सकता है और इजीली आप सम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कभी भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कभी भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो आपको जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म है आपको ऐसे अज्यूम करना है a माइनस डी, a और a प्लस डी, और अगर 4 रहेगा तो लाइक दैट a माइनस डी, a, a प्लस डी, a प्लस 2d, और 5 टर्म रहेगा तो आपको ऐसा अज्यूम करना है। डियर स्टूडेंट, तो बच्चों अब करते हैं शुरुआत इसके सोल्यूशन के साथ। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि इन एपी सम और 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27, यानी कि जो इनका सम है यानी एडिशन है वो कितना है 27 है, एंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है बच्चों 504, सो फाइंड द टर्म। सो हम लोग ने अज्यूम कर लिया लेट द 3 कंसेक्यूटिव टर्म बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। सो हम बच्चों अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। सो जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है वो क्या बोलता है, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सो स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि इनका जो हमारा कंसेक्यूटिव टर्म है उनका एडिशन क्या है 27। चलिए ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी एंड इज इक्वल टू 27। ये बच्चों हमारा कहां से रहा है, हमारा फर्स्ट कंडीशन यही बोलता है। नहीं, अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे माइनस डी है और यहाँ पे क्या है प्लस डी है, तो माइनस डी और प्लस डी क्या हो जाएगा कैंसल, सो a प्लस ए हो जाएगा 3a, सो देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 27। अब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में तो कहां आ जाएगा बच्चों डिवाइड में, सो देयरफॉर a की वैल्यू हमारा आ जाएगा 27 डिवाइड बाय 3, 3 9 27, देयरफॉर a इज इक्वल टू 9। ये हो गया मेरा a की वैल्यू, ठीक है। अब हमें निकालना है d की वैल्यू, तो हमारा देखते हैं हमारा सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, एंड देयर प्रोडक्ट यानी कि इस कंसेक्यूटिव टर्म का प्रोडक्ट क्या है 504। सो हमारे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सो स्टूडेंट, यहां का क्या बोला कंडीशन क्या है प्रोडक्ट, दैट्स मीन क्या आ जाएगा a माइनस डी, a एंड a प्लस डी इज इक्वल टू 504। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो a माइनस डी और a प्लस डी हमारा फॉर्मूला बनता है a प्लस डी a माइनस डी का, तो ये तो हमारा हो जाएगा इजिली सॉल्व a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, राइट, एंड ब्रैकेट और बाहर क्या दिया a एंड इज इक्वल टू क्या दिया 504। सो स्टूडेंट, आपने a की वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है 9, तो जहां पर a है वहां पे वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो देयरफॉर 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर a है उसकी वैल्यू भी क्या दिया है 9 दिया है, एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 504। सो स्टूडेंट, यहाँ पे 9 अगर आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में कहा जाएगा डिवाइड में, सो देयरफॉर 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 डिवाइड बाय 9। अब इसे हम करेंगे कैंसल आउट, टेन बच्चों 9 5 जा, सो 9 5 जा 45, यहाँ बचेगा 5 and 4 54, सो 9 6 जा 54, सो देयरफॉर 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56। सो स्टूडेंट, 9 स्क्वायर, 9 से वैल्यू क्या होता है 81, ठीक है, तो मैं यहीं पे करता हूं।
बच्चों 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। सो स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस डी को ले जाओ इस साइड, माइनस डी जाएगा इस साइड तो बनाएगा प्लस, और 56 इधर आएगा तो क्या बनाएगा माइनस। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा d का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और हमको पता है किसी भी नंबर का हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है 2 आती है, एक होता है प्लस एक होता है माइनस। सो नेक्स्ट स्टेप में d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या आएगा प्लस माइनस 5। सो किसी भी रूट का स्क्वायर रूट का जब हम दिखाते हैं वैल्यू स्क्वायर रूट वो किसमें आता है टू फॉर्म में, एक आता है प्लस एक होता है माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू 9 है बट d की वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, एक हो रहा है प्लस एक हो रहा है माइनस 5। तो अब देखते हैं कि अगर हमारा a की वैल्यू 9 होगा और d की वैल्यू क्या होगा 5 होगा तो हमारा टर्म क्या होगा, कुछ करना नहीं बच्चों, ये a की वैल्यू और d की वैल्यू ये जो हमारा टर्म है यहाँ पे रिप्लेस करना है। लेकिन बच्चों यहाँ पे d की वैल्यू 2 है, एक है माइनस और एक है प्लस, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कुछ ऐसे आने वाला देखते हैं जरा। सपोज व्हेन a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू 5, सो ऐसे कंडीशन में हमारा a माइनस d क्या हो जाएगा। सो a माइनस d इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारा 9 है, 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4, और a की वैल्यू क्या हो जाएगा 9, देन a प्लस d। सो a की वैल्यू हमारा क्या है 9 और प्लस मेरा क्या है 5, तो 9 प्लस 5 कितना था बच्चों 14। तो ये हमारा कंडीशन में क्या आया, इस कंडीशन में जो मेरा आया है टर्म वो क्या है मेरा 4 है 9 है और 14 है। अच्छा बच्चों अब अगर d की वैल्यू क्या होगी माइनस 5 तब क्या होगा देखते हैं। व्हेन a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू माइनस 5, d इज इक्वल टू माइनस 5, ऐसे कंडीशन में हमारा क्या आ गया वैल्यू देखते हैं a माइनस d। सो a माइनस d, सो डियर स्टूडेंट a की वैल्यू 9 है बट d की वैल्यू क्या दी है माइनस 5, यहां भी क्या दी है माइनस, वो ध्यान देना माइनस 5 एंड माइनस 5 तो इज इक्वल टू 9 प्लस 5, तो 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14, राइट। देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू मेरा तो 9 रहेगा, देन a प्लस d, सो स्टूडेंट a प्लस d बोले तो 9 प्लस और d को लगाया माइनस 5 क्या आ जाएगा आंसर 4। मतलब क्वेश्चन बच्चों इसी का रिवर्स हो जाएगा, मेरा यहाँ पे क्या आया था 4 9 14, तो इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा 14 9 और 4। तो लास्ट में जो हमारा लिखेंगे फाइनल आंसर वो क्या होगा, ओके बच्चों, सो देयरफॉर हमारा जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 4 9 14 और उसी का रिवर्स 14 4 और 9। तो बच्चों इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर दिया है, अब करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और भी इजी है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड 4 कंसेक्यूटिव टर्म, यानी यहाँ पे आपको क्या बोल दिया है 4 कंसेक्यूटिव टर्म बोल दिया, यानी आपको क्या अज्यूम करना है, मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिया है a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 2d, सो 4 कंसेक्यूटिव टर्म यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हमें क्या दिया है उनका सबका सम, यानी कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म का जो सम है वो क्या दिया है 12 दिया है। चलिए हमारा देखते हैं हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, सो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है इनका सम, यानी कि इनका a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इनका सम हमें ये दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें नेगेटिव साइन कौन सा है, सो नेगेटिव साइन दिया है माइनस डी और ये प्लस डी, तो ये हो गया मेरा 12। देन क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस a प्लस a प्लस a 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, देन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, चलिए ले लिया मैंने कॉमन, सो 2 2 4, यहाँ बचेगा d इज इक्वल टू 12, 2 दिया है मल्टीप्लाई में तो d स्टूडेंट कहाँ जाएगा डिवाइड में, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 2a प्लस d 12 डिवाइड बाय 2, 2 6 12, सो देयरफॉर 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। सो इसे हम ले लेते हैं प्यारा प्यारा क्वेश्चन नंबर 1। सो सिमिलरली वी कैन फाइंड अ सेकंड कंडीशन, देखते हैं हमारा सेकंड कंडीशन क्या बोलता है। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सो स्टूडेंट सेकंड कंडीशन क्या बोलता है ध्यान देना, यहां मुझे बोलता है थर्ड एंड फोर्थ टर्म, सो स्टूडेंट ये है मेरा फर्स्ट टर्म
ये है मेरा थर्ड टर्म और डियर स्टूडेंट ये है मेरा फोर्थ टर्म। सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन थर्ड एंड फोर्थ का जो एडिशन है वो आता है 14। तो थर्ड मेरा है। सो स्टूडेंट थर्ड ए प्लस डी एम प्लस ए प्लस टू डी फोर्थ टर्म विल बी इक्वल टू 14। चलिए हम उसको ऐड कर देते हैं, क्या मिलता है हमको, हमें मिलेगा क्या a प्लस ए टू ए टू डी प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 14। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू। सो स्टूडेंट अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखो प्लस टू ए है, यहाँ पे क्या है प्लस टू ए है, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो हम क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू वी गेट व्हाट वी गेट, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों टू ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू 14। मेरा फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6, राइट, सब्ट्रैक्ट कर रहे बच्चों, माइनस 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 ये हो जाएगा कैंसल, 3d माइनस डी, 3d प्लस 3d एंड माइनस डी, तो क्या हो जाएगा 2d, 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा 8। सो therefore डी इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, सो डी की वैल्यू मेरा क्या आ गया बच्चों 4। सो अब मेरा डी आ गया 4, अब हम लोग इसका इसकी वैल्यू या 1 में रखो या 2 में रखो उससे मुझे मिल जाएगा ए की वैल्यू। सो putting डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, चलिए 1 रखते हैं, क्या हमें मिलने वाला है देखते हैं, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6, सो डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 4 है, सो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 4 गया उस साइड, चलिए गया 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4, सो 2a इज इक्वल टू 2, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा मेरा आंसर 1। ओके बच्चों अब मेरा फाइनल आंसर, हमें क्या फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है, अब ए की वैल्यू हमें मिल चुका है, डी की वैल्यू मिल चुका है, बस यहां पे रिप्लेस करना है, तो क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू 4 इसमें पुट कर देंगे, सो ए माइनस डी, सो 1 माइनस 4 आंसर क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 3। सिमिलरली ए की वैल्यू मेरा 1, ए प्लस डी यानी a की वैल्यू क्या है 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, देन लास्ट वन इज a प्लस 2d 1 प्लस 2 इंटू 4, सो आंसर क्या जाएगा बच्चों 1 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या जाएगा 9। सो स्टूडेंट्स अब क्या करना है, आपको लास्ट में लिखना है आंसर कि देयरफॉर फोर कंसेक्यूटिव टर्म इज व्हाट, पहला टर्म क्या था मेरा -3 1, 5 and 9, आंसर बच्चों पहला पढ़ा आंसर, therefore फोर consecutive टर्म्स क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म मेरा यहाँ पे -3, 1, 5 and 9। ओके बच्चों तो वीडियो ऑलरेडी मेरा देख रहा हूँ कि बड़ा बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 में ही वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो लाता हूँ और उसमें ऐड करता हूँ तो वीडियो और बड़ा बन जाएगा जिससे कोई जल्दी वॉच नहीं करता, तो बच्चों एक काम करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का वीडियो जो है मैं कल अपलोड कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 जो रहेगा वो नेक्स्ट डे अपलोड करूंगा। तो बच्चों फिलहाल आज तक काफी है, जल्दी जाते इतना ही एक काम करना है, बस वीडियो को वॉच करना है, कंप्लीट वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी जरूर करो बच्चों। सो बच्चों आज तक काफी, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।